इसमें ना तीन आइटम का होता है, एक होता है नॉर्मल पैड, देखो इसमें पैड है, और मैंने लिया ट्रिपल पैड, मतलब पैड और पैड का पैड के साथ में भी और थोड़ा हैवी पैड और भी है। बेबी बॉय है ये, तो बेबी गर्ल का है, लेकिन बेबी बॉय के लिए दिखाओ कैमरा वाला, फोकस करो। मैं चश्मा लेने आया, पहली बार जिंदगी में चश्मा पहनने में शर्म आ रहा है। मेरा अड्डा, चाका अड्डा चल रहा है अभी। ये देखो बेबी शॉर्ट्स में कितना ज्यादा कलेक्शन है, इतना क्यूट क्यूट बेबी शॉर्ट्स है ना। इसको यूज के बारे में मैं बोलूंगी डिटेल में थोड़ा सा, बहुत सारे लेडीज को पता नहीं इसके बारे में, ये कौन सा वाला ब्रा है, क्या काम करता है इसका। कुछ लोग तो ब्रा ही पहनता है, बस ब्रा के बारे में आइडिया नहीं है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और शाम के टाइम रितिका थोड़ा सा आ गई शॉपिंग करने के लिए, हमारा फ्लैट का नीचे ही है, तो वैसे तो हमारे इलाका में हर चीज़ मिल जाता है। रितिका को जाना है ओल्ड ढाका में, मेरी दूसरी बहन का घर पे, क्या ना उसका पासपोर्ट का डेट ओवर हो गया, काफ़ी दिन हो गए थे, बट पासपोर्ट एक्सटेंशन करने के लिए चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड में हो गए प्रॉब्लम। वाई यू क्या ना, जहाँ से आधार कार्ड बनाया ना उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट एड्रेस को परमानेंट कर दिया, परमानेंट को प्रेजेंट कर दिया, ऐसा कुछ कर दे गुलमाल, तो इसीलिए बहुत दिन से मतलब पासपोर्ट एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। तो अगर ठीक करने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, कोई भी चीज़ को ना नया बनाना बहुत ईजी होता है, इसको काट के पाट के ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चीज़ें मांगता है। तो मेरे भाई रिक्स लिया है, सब कुछ पेपर वेपर जमा दे दिया और पैसे भी जमा दे दिया, बोलते एक बार रिक्स लेके जा देखते हैं, अगर पेपर जमा ले लिया तो पासपोर्ट एक्सटेंशन हो जाएगा। इसीलिए मेरी बहन जाने वाला है अभी कुछ टाइम बाद ओल्ड ढाका में, कल जमा दे रहे हैं पासपोर्ट के पेपर। इसमें ना तीन आइटम का होता है, एक होता है नॉर्मल पैड, देखो इसमें पैड है, और मैंने लिया ट्रिपल पैड, मतलब पैड और पैड का पैड के साथ में भी और थोड़ा हैवी पैड। अच्छा तो है, देखो ये भी नॉर्मल पैड है, और मैंने जो लिया ना वो कैसे पता है दिखाता हूँ थोड़ा सा, वो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैड है इस जगह में, यहाँ पे इसको इसको बोलते हैं डबल पैड, डबल पैड का अच्छा लगा मुझे इसका। कोई भी टॉप के साथ पहन सकते, कोई भी मतलब टी शर्ट के साथ भी अच्छा लगता है। ये वाला स्कर्फ मिलता नहीं उधर, कॉटन में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तू बहुत नॉटी बॉय, ये क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। ये देखो ये सब चकमा का ड्रेस है, यहाँ पे लुक पहनता है, हमारे इलाके में बहुत चकमा गारो लुक रहता है, आदिवासी बोलते हैं ना, बहुत ऐसे रहते हैं, उनके ड्रेस है ट्रेडिशनल, ये लोग ऐसे ड्रेस पहनता है, सिलाई किया हुआ नहीं ऐसे ही पहनते रहता है। रितिका को लेना है, पहले एक बार लेके घर पे पड़ा है, अभी तक देना ही नहीं है। ये देखो दुकान से अभी गाड़ी में आ गए, यहाँ पे जो भी सामान है ना सब एक्सपोर्ट का है, पहले जो दुकान में गई वो लोकल सामान था। और देखो रितिका पैंटिस लेने आया, यहाँ पे कितना सुंदर सा को है, जाम सूट है बेबी गर्ल का, भैया को पूरा काम पे लगा दिया था, ये वाला बहुत सुंदर है ना देखो एक बार, चाहे विवान को आएगा नहीं तो मैं ले लेती ये वाला। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेन भी मिल रहे हैं अभी, शॉर्ट्स मिला तेरे को, देखिए देखिए देखा, आ जाएगा आ जाएगा, ना कॉमन लूज नहीं होगा, एकदम परफेक्ट साइज, इसको ले ले, ये एक्सपोर्ट का एकदम 30 रुपए पर पीस, बहुत सारा कलर देखो, नहीं पूरा पूरा देखा कितना सारा पेंट यहाँ पे, ये भी अच्छा आ जाएगा, हाँ ये भी आ जाएगा। हाँ चलो देर, इसके जैसे बिच्छू ना कमी हो दुनिया में, इतना सहता रहे ना, नीचे उतर जाना है, नीचे उतर के पता नहीं क्या करना है, देखो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, जा जा जा। विमान उधर से दीदी को देख के, हम लोग उधर शॉपिंग कर रहे थे, उधर से दीदी को देख के आ जाने के लिए पागल हो गया, रितिका बोल रहा पता नहीं किसको देख के जाना चाहते, हमने तुरा अच्छे से देखा फिर पता चला दीदी बैठा यहाँ पे। ए तूने देखा था दीदी को पहले? नहीं देखा ना, देख के पागल होगा, इधर आएगा इधर पागल हो जा रहा था, इधर आएगा। हम बोले ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी चाय पी रहे, देखो यहाँ पे खड़ा होके, आपको पीना है? नहीं बिस्किट अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, देखो एक बार चाय पिया मूड बड़ा नहीं, हाँ बिस्किट भी लेते हैं क्या ना, यहाँ पे चाय इतना देता है 30 ना 15 रुपए में, 15 रुपए छात्रों ज्यादा दिया, पहले कम दिया था, हम सब चाय पी रहे यहाँ पे, दीदी ने ऑलरेडी चाय पी लिया दीदी के सहेली के साथ, और पीना है और पीना है, तुमको पीना है, मैंने 2 कप लिया बिस्किट, दीदी नहीं खाना, चाय बहुत अच्छा है उनका, शायर अड्डा चाका अड्डा चल रहा है अभी।
क्या रे तू क्या पी रही है? दो कप चाय पी लिया ऑलरेडी। मजा आया सच्ची में। क्या अंकल ने अच्छा अच्छा बनाता है? वो अंकल हिंदू लोग है इसलिए अच्छा बनाते हैं। अच्छा हिंदू है इधर चाचा वाला। आज की पार्टी वो लोग चाय पी रहा था, हम लोग बिल उठा दिया ज्यादा करके। दो बंदों के आए थे चाय पीने के लिए, आके देखा आप चाचे लोग ज्यादा पी लिया चाय। विवन कोई रितिका का तो देखो विवन बार बार उतर जाता है नीचे, इसीलिए ये वाला इतना प्यारा लगा ना, लेकिन ये बेबी बॉय का नहीं है, बेबी गर्ल का है, बहुत प्यारा लगा। भैया का दिमाग खराब कर दिया लगता है मेरे दुकान में आके। यहाँ से देखो हम यहाँ पे कपड़ा ले रहा था, दीदी उधर थे, दीदी को विवन देख के पागल हो गया जाने के लिए। रितिका बोलते पता नहीं किसको देख के जाना चाहते, ये बहुत सुंदर है लेकिन ये छोटा है साइज है। हमने बहुत सारी चीजें लिया, दिखाते घर पे जाके क्या क्या लिया। वाला प्रिंट कितना अच्छा है देखो, बट सब छोटे छोटा है, कुछ कुछ इतना बड़ा है, कुछ कुछ एकदम छोटा है। तो लेके जाते हैं, अगर अच्छा मतलब फिटिंग नहीं आएगा तो फिर चेंज करके जाएंगे। बहुत अच्छा है। ये देखो बेबी शॉर्ट्स में कितना ज्यादा कलेक्शन है, इतना क्यूट क्यूट बेबी शॉर्ट्स है ना, बहुत सुंदर है। मैं इतना ढूंढ के निकाला, इतना लिया विवन के लिए। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा चश्मा है, तो विवन के लिए ले जाऊंगी। और क्या ना यहाँ पे हर रोज जाता आता, मुझे ऐसा लगता है विवन के लिए ले लूँ कुछ। विवन देखो ये अच्छा लग रहा है ना, ओरे ना इतना, ओ इसमें गाड़ी है ना, अच्छा लग रहा है। और भी है, बेबी बॉय है, ये तो बेबी गर्ल का है, लेकिन बेबी बॉय के लिए दिखाओ। काला ही चाहिए वैसे तो, काला अच्छा लगता है। कटा के करेगा भैया, ये तो दाम 350, बहुत महंगा बोलता है। ये भी अच्छा है ना बेबी, पहना के देखो। कैमरे वाला फोकस करो, मैं चश्मा लेने आया पहली बार जिंदगी में, चश्मा पहनने में शर्म आ रहा है। मस्ती करने में एक नंबर है पूरा। ओरे बाबा अच्छा लग रहा है विवन, ऐसे पहन के रखना है, खुलना नहीं, ठीक है ना बाबा? खुल देता है बार बार, क्यूट लग रहा है ना इसमें। इसको तो आज चश्मा मैन बना दूंगी विवन को। विवान नया चश्मा पहन देगी, देखो ये वाला कैसा लग रहा है, देखो मम्मी को। ओ ये तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है ना, ये ज्यादा क्यूट लग रहा है। अरे विवन को तो हर चश्मा क्यूट लग रहा है। हाँ उसका फैन में पूरा नजर है। मेरे लिए यहाँ पे कुछ देखते हैं दूसरी दुकान में, क्या ना यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज ज्यादा लग रहा है मेरे को। आइए ज्यादा देखो, ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ मम्मा निकलना नहीं, चश्मा पहन के धूप में जाना है, फिर आपका आँख में धूप नहीं लगेगा। विवन के लिए मैंने, मुझे तीन पसंद आया, एक ए वाला, एक ए और एक ट्रांसपेरेंट वाला, अच्छा लगा है। ये भी सुंदर है, ये बापरे हाँ सब सुंदर है, बच्चे में सब सुंदर है। ये चश्मा सच चश्मा हो गए सब। विवन निकलना नहीं है, हम चश्मा लेने आ गया विवन को लेके। क्या नहीं बोला दुकान हमारा फ्लैट के नीचे, ये हर रोज जाते आते देखते रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है विवन के लिए ले लूँ। और बहुत सारा है अच्छा अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे वॉच भी है, अरे वाला दुकान नया भी हुआ है, पहले यहाँ पे कुछ और था ना रितिका, यहाँ पे मतलब वो ग्रोसरी का शॉप था यहाँ पे। तो हमारा एरिया में सब कुछ मिल जाता है, आस पास सब कुछ मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्राउडी है ये एरिया। ये भी अच्छा लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है, कोई दूसरा कोई लेता है ना तो अच्छा ज्यादा लगता है देखने में, ऐसा लग रहा है मेरे नंबर है आँख में। फर्स्ट टाइम मैंने टच में ऐसा वाला घड़ी देखा, सीरियसली बताओ तो बहुत प्यारा लग रहा है। पहनो, क्यूट लगोगी, वाओ नाइस ना, नाइस है। भैया ब्लैक कलर भी दिखा रहा है ना, ब्लैक से ज्यादा वही अच्छा लगा मुझे, रोज गोल्ड अच्छा लग रहा है। तू मुझे गिफ्ट कर दे ना, रोज गोल्ड ज्यादा अच्छा है ना रितिका, ये ज्यादा अच्छा है। एक बार टका करो भैया, 800 वैसे अच्छा है, प्राइस तो कम भी हो जाएगा लेकिन अच्छा है देखने में। देखो इसका प्राइस थोड़ा कम है, वो टच वाला था ना 800 बोल रहा था, अरे वाला 400 है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा ना रितिका, 400 में प्राइस रीजनेबल लगा मुझे इसका, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, अच्छा है, बहुत हेवी भी है।
यहाँ पे विवन के लिए वॉच भी है। 5 minutes later. तो हमने इतना सा शॉपिंग करके आया और दीदी ने ये वाला मेरे जीजू के लिए लिया है, ये ओरिजिनल पीस है, शोरूम से लिया है। इसका प्राइस था 1000, एक्चुअली इसका प्राइस 1500-1200 ऐसा कुछ है। सी के ब्रांड ओरिजिनल पीस है, तो दीदी ने 500 में लिया है, जीजू के लिए लिया है, मतलब मेरी जो रूपा दीदी है ना उनके हस्बैंड के लिए। तो साथ में एक शॉर्ट भी लिया है, ये वाला भी लिया, ठीक है, ये वाला भी लिया पैनल के लिए, मतलब मेरी दीदी के लड़का के लिए, दीपा दीदी ने लिया। हम तो हर रोज शॉपिंग करते रहते हैं और मैंने लिया दीपा दीदी के लिए ये वाला। देखो मैं जहाँ से अभी सामान लेके आई ना वो उधर से लिया ये वाला, बोले मुझे ना मेरे लिए लेना था बट मेरे साइज का नहीं था, बट बहुत सुंदर लग रहा था। दीपा दीदी का भी ऐसा स्टाइलिश वाला टी शर्ट नहीं पहना, हर टाइम वो पहनता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अभी नेक है दीदी, जब इंडिया जाएंगे मेरे साथ तो पहनेगा, तब देखना बहुत प्यारा लगेगा। इसका प्राइस कम ही है, मतलब मेरे पास से कम ही लिया है भैया ने, ठीक है, 100 करके लिया। और ये देखो विवन के लिए मैं कितना सारा शॉर्ट्स लेके आया, ये वाला शॉर्ट्स है 50 taka, ये है 80 taka, देखो 80 taka में, बहुत प्यारा। ये आप कोई भी शॉप में जाओगे ना 250 rupees के नीचे मिलेगा बिल्कुल नहीं, कम से कम 250 rupees, और 1200 में जाओगे तो 300-350, ठीक है। और ये सब टी शर्ट है देखो, ये सब फ्रेश न्यू कलेक्शन, ये सब इंडिया में जाके खुल के दिखाऊंगी। और आदरी के लिए ये वाला दीदी ने लिया, मतलब दीपा दीदी ने, ठीक है, ये दीपा दीदी ने लिया है, ये होगा 700-800 का ऐसा कुछ। और ये वाला मैं लिया आदरी के लिए, जहाँ से मैं सामान लिया था, देखो ये बहुत ही सॉफ्ट है और डेली यूज़ के लिए बॉक्सर है, एकदम परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए। और ये वाला भी मैंने लिया। हाँ, कपड़ा का तो मतलब हमारे घर पे कपड़ा दिखाऊंगी ना, इतना सारा कपड़ा इंडिया में जाके दिखाऊंगी। मैं तो टेंशन में हूँ जो इंडिया में इतना सारा चीज़ें लेके जा सकती हूँ क्या नहीं। ये भी 100 taka में लिया, जहाँ से मैंने लिया ना इधर से, सुंदर है ना ये वाला। और ये लिया मैंने मेरी दीदी का लड़का के लिए पैनल के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैं मेरे लिए लेना चाहती थी बट फिर देखा ये तो बेबी, एक्चुअली बेबी का है और बॉय का है, ठीक है। ये बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्राइडे बहुत सुंदर है देखो। और ये है टी शर्ट जो दीपा दीदी ने लिया है, यानी इंडिया में जाने वाले हैं तो सबके लिए शॉपिंग करते रहते थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक्सपोर्ट, ये सब ओरिजिनल एक्सपोर्ट है, ये सब शोरूम से लिया है, ठीक है, शोरूम का कलेक्शन है। ये सब खुल के देखने जाओ तो दिन निकल जाएगा मेरे। और ये जो पैंटी है ना, देख लो एक बार, ये सब पैंटी जस्ट 30 taka, और ये ओरिजिनल एक्सपोर्ट का ही है, 30 taka में। मैंने उस दिन बहुत सारी लेके आई थी ना, तो रितिका ने पापती के लिए लिया, पापती मतलब मेरी बहन के लिए, रितिका रितिका जाने वाले पासपोर्ट के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ मैं कैसे रहूँगी विवन को लेकर पूरा दिन, विवन तो रितिका के बिना रहता ही नहीं है। पासपोर्ट मतलब उसका एक्सटेंशन करना है, उसका रितिका का पासपोर्ट का डेट ओवर हो गया है, इसलिए वो जाने वाला है कल एक्सटेंशन के लिए। और इतना पैंटी लिया है रितिका ने, बहुत प्यारा, एकदम पतला पतला कपड़ा। और ये वाला शॉर्ट्स लिया, आप लोग भी देखोगे ना पागल हो जाओगे मेरे कपड़ा। ये एक शॉर्ट्स लिया पैनल के लिए, इसके साथ पहन सकते हैं। मासी को खिलाता है, मासी को खिलाता है। अरे मेरे बच्चा का हाल तो देखो एक बार, हमारे घर पे पूरा कपड़ा ही कपड़ा, एक सब कपड़ा मैं दिखाऊंगी इंडिया में जाके, बहुत सारा कपड़ा है जो मतलब मैंने इतना देखा है ना, इससे भी 3-4 कपड़ा जो मेरे घर पे पड़ा है जो अभी तक मैंने वीडियो में देखा है नहीं। और यहाँ पे मैं जस्ट एक ब्रा लिया था मेरे लिए, ये वाला ब्रा एक्सपोर्ट का नहीं है बट मुझे ऐसा अच्छा लगा क्योंकि ये ना ये 3-4 वाला पैड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको यूज़ के बारे में मैं बोलूँगी डिटेल में थोड़ा सा। बहुत सारे लेडीज़ को पता नहीं इसके बारे में, ये कौन सा वाला ब्रा है, क्या काम करता है इसका। कुछ लोग तो ब्रा ही पहनता है, बस ब्रा के बारे में आइडिया नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगी, अभी नहीं, ठीक है। अभी क्या ना, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये भी एक शॉर्ट से, पता नहीं दीदी किस किस के लिए शॉपिंग करके आ गया है। दीदी के पास पैसा होता है तो दीदी ये पैसे ऐसे उड़ा देते हैं, खुद के लिए कुछ भी खरीदता नहीं, ठीक है। नहीं, विवन के लिए मैं 2 glass लिया। ये दोनों ग्लास लेने का रीजन क्या पता है, विवन को मैं जब भी धूप में जाता हूँ ना, विवन आँख खोल नहीं पाते, तो विवन को पहना दूंगी, पता नहीं वो पहनेगा क्या नहीं बट पहना दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और दोनों का प्राइस 600 है, उन्होंने बोला था तो मैंने 500 दिया। हाँ रितिका, थोड़ा जल्दी आना, नहीं तो क्यों मतलब, नहीं तो तुम्हारा बोल्ट सुना मेरे को पूरा हाल खराब कर देगा। आज जा रहा है, कल पासपोर्ट जमा देने का टाइम है, मतलब पासपोर्ट के लिए पेपर जमा देने का टाइम है, मतलब मुझे सोच के ही टेंशन हो रहा है। तेरा टेंशन के मारे मेरा दूध गिर गया है। विवन यहाँ पे सो रहा है, नहीं तो रितिका बाहर जाता वो देखेगा ना, इतना रोएगा। आप ये सो रहा है, कल आएगा ना परसों, किस लिए? 1 lakh एक लात कौन क्या हो इसमें, मेरे को 1 lakh ही मिलेगा जाने के बाद बैंक में। आ जाना जल्दी से, हाँ लगता नहीं बोल रहा है साला, जाने दो एक बार, एक हफ्ते के पहले आऊंगी नहीं। मेरे पास विवन सो ही रहा है, अभी बज रहा है 10 और विवन के लिए सनग्लास तो लेके आ गई बट वो पहनेगा क्या नहीं पता नहीं। और कल
पूरा दिन कैसे रखूंगी। रितिका आते आते परसों आएगा, पासपोर्ट के लिए गया है, कल जमा देने का है, तो शायद रितिका कल आएगा नहीं, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है रितिका के बिना मैं विवन को कैसे रखूंगी। माय गॉड, और विवन का फर्स्ट दुर्गा पूजा है तो मुझे कोई प्लान नहीं है विवन के लिए, मतलब क्या शॉपिंग करूँ क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी विवन के पास बहुत सारा कपड़ा है। और आदरिक बोला था विवन के लिए और मेरे लिए इंडिया से कपड़ा भेजेगा, इंडिया का मतलब गुजरात का ट्रेडिशनल ड्रेस, तो कैसे भेजेगा, कोई कोई है ही नहीं आने वाला नहीं है, गुजरात से कोई आता नहीं है यहाँ पे, कोलकाता से बहुत मिल जाता है लेकिन गुजरात से कोई पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं बेच पाएगा क्या नहीं, अगर बेचता तो बहुत मजा आ जाता, मैं विवन रितिका तीनों एक जैसे पहनता तो मजा आता ना, बताओ क्या करें। और सनग्लास कैसा लगा विवन को पहनने के बाद मुझे कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बोलना। और आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।